एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप ट्रिक्स। तो आज मैं आपको स्क्वायर की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपकी कैलकुलेशन को काफी इजी कर देगी, जिससे आपका काफी टाइम बचेगा। तो मेरा पहला स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ये वो स्क्वायर है जिनके लास्ट डिजिट 5 हो, मतलब ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 5 हो उनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो पहला है हमारा जैसे 25, तो इसको कैसे करेंगे, इन नंबर्स के लास्ट में हमेशा 25 आएगा ही आएगा, मतलब इनके आंसर में 25 आएगा ही आएगा। तो 25 तो लिख ही देंगे पहले से। फिर जो पहला वाला नंबर है उसको एक बढ़ाएंगे, मतलब 3, इसमें प्लस 1 किया 3, और 3 इंटू 2, 3 टू जा 6, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से जैसे कि अब हम 85 का करेंगे, तो लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, और 8 इंटू 9, 8 9 72, मतलब इसमें एक बढ़ाया तो ये 9 हो गया, और 8 9 72। सिमिलरली 105 का कैसे करेंगे, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, और इसमें एक आगे बढ़ाइए 11, एंड 11 10 110। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से 75 का करेंगे, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, एंड 8 इसको एक बढ़ाया 8, एंड 8 7 50 6, तो 5625 हो गया इसके स्क्वायर। तो इसी तरीके से जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब जो आएंगे वो आएंगे 25 से 75 के बीच वाले नंबर्स का स्क्वायर करना, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको 1 से 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद होना ही चाहिए, इतना तो कंपलसरी है हर किसी एग्जाम में, मतलब इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो इन नंबर का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले इन नंबर का जो हम बेस लेते हैं वो 50 लेते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ये 45 है तो 45 50 से कितना कम है, कितना कम है 45 50 से, 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हमने इधर लिख लिया। अब हमें जितना वो कम है, मतलब 50 से वो 5 कम है, तो उसको 25 से 5 माइनस कर देना है। तो 25 माइनस 5 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 25। एक बार फिर से समझिए इसे कि हमने इन वाले क्वेश्चंस का बेस लिया है वो 50 लिया है, तो 45 50 से कितना कम है, 5 कम है, 5 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे 25 आ गया। अब जितना कम है वो 50 से उस नंबर को हम 25 से माइनस कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा, मतलब 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 25 इसका आंसर। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखिए, 50 से कितना कम है ये 1, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 25 माइनस 1 करो, मतलब जितना कम होता है उसको 25 में से घटाते हैं, तो 25 माइनस 1 किया कितना आया 24, तो 24, और यहां हमें 2 डिजिट लिखनी होती है, तो 2401 इसका स्क्वायर का आंसर। इसी तरीके से अब हम जैसे ये करेंगे, तो अब जैसे हमारा है 36 का स्क्वायर, तो इसमें क्या देखेंगे 50 से 36 कितना कम है, मतलब 50 माइनस 36 कितना हुआ 14, एंड 14 का स्क्वायर ये तो आपको करना ही पड़ेगा यार 196, ठीक है। अब 196 यहां लिख दिया, अब 25 माइनस 14 करेंगे, तो 25 माइनस 14 कितना होता है 11, और हमें यहां 2 डिजिट लिखनी है, यहां भी 2 डिजिट लिखनी है, तो 96, और यहाँ का जो 1 है वो इधर आंसू लग जाएगी, तो 1296 इसका आंसर। समझ रहे हैं, एक बार फिर समझिए, जैसे कि ये 50 से 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, और 25 माइनस 14 करेंगे तो वो होता है 11, लेकिन हम यहाँ 2 डिजिट लिखते हैं, तो 96 तो हमने लिख दिया और जो 1 था वो इधर ऐड कर दिया, तो 1296 हो गया इसका आंसर। सिमिलरली अब जैसे ये क्वेश्चन हुआ, तो इसमें कैसे करेंगे, ये 50 से कितना कम है, 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो यहाँ पे हमने 44 तो लिख ही दिया लास्ट टू डिजिट, और 25 माइनस 12 होता है 13, लेकिन हम इसको 13 नहीं लिख के एक ये जो बचा है उसको भी तो ऐड करेंगे, तो 1444 इसका होगा आंसर। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और एक्स्ट्रा बताती हूँ जिससे आपको जल्दी समझ आए, और जैसे कि हमने लिया 47 का स्क्वायर लिया, ठीक है, कितना कम है ये 50 से 3 कम है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 09 तो हम लिखेंगे 2 डिजिट लास्ट की,
और 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो 25 माइनस 3 होता है 22, तो इसका आंसर, इसके स्क्वायर का आंसर हो गया 2209। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो 50 से कम वाले नंबर थे सारे, ये जो नंबर थे 50 से कम वाले थे। अब जो हम स्क्वायर करेंगे वो 50 से ज़्यादा वाले का स्क्वायर करेंगे, तो उसके लिए जो कम वाले थे उसमें हमें माइनस करना था, इसमें सिर्फ ऐड करेंगे, सिर्फ इतना ही अंतर होगा। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 तो यहाँ लिखेंगे और इसमें 25 प्लस 4 ऐड करेंगे, उधर माइनस करते थे, इसमें 25 प्लस 4, तो 25 प्लस 4 हो जाएगा 29, तो इसके स्क्वायर का आंसर होगा 2916। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, और 25 प्लस 15 होता है 40, तो 25 यहां पे और यहां का 2 इधर ऐड करेंगे तो 4025 इसका आंसर। ठीक है, 40 में जो बचा हुआ होता है वो ऐड करते हैं, तो इनको मिला के लिखते हैं, तो 4225 होगा इसका आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, 74 का स्क्वायर, ये थोड़ा लेंदी है बट कर सकते हैं, जैसे कि तो ये कितना ज्यादा है 50 से 24 ज्यादा है, और 24 का स्क्वायर जैसे कि मैंने कहा था 25 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 प्लस 24, तो 25 प्लस 24 होता है हमारा 49। ठीक है, अब ये लिख लेंगे ये, लेकिन इसमें ये जो 5 बचा है वो ऐड करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5476। ठीक है, 49 प्लस 5 होता है 54, तो 54 यहाँ लिख दिया एंड 76 यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया इसके स्क्वायर का आंसर। इसी तरीके से ये लास्ट है, इसको देख लीजिए, तो अभी कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, और 25 प्लस 12 कितना होता है 37, 25 प्लस 12 जितना ज्यादा होता है उतना 25 में हम ऐड करते हैं, तो ये हो गया 37। तो अब इसको ऐड करके कैसे लेंगे, 37 यहाँ का 1 भी ऐड करेंगे तो 3844 इसका आंसर, तो 62 का स्क्वायर होता है 3844। इसी तरीके से हम 75 तक के नंबर का इजीली स्क्वायर कर सकते हैं, और इसके आगे के नंबर का स्क्वायर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।